सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में अब एक अलग ही एंगल चल निकला है। एक्टर के परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ढेरों इल्जाम लगाए हैं, जिसमें सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाना शामिल है। इसके साथ ही परिवार का ये भी आरोप है कि रिया ने सुशांत पर काला जादू किया था। अब सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की डिटेल सामने आई है, जिनमें बताया गया है कि 3 बार उनके अकाउंट से पूजा सामग्री खरीदने के लिए पैसे निकाले गए थे। वहीं 1 बार पैसे निकाल कर पंडित को दिए गए थे। सुशांत के परिवार का दावा है कि इस पैसे से रिया चक्रवर्ती ने एक्टर पर जादू टोना किया था। अब कोटक महिंद्रा बैंक से सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट के पेपर्स सामने आए हैं। इसमें बताया गया है कि 5 बार पूजा के नाम पर पैसे निकाले गए थे। इसे सुशांत के परिवार ने काला जादू बताया है। हालांकि अगस्त 2019 को पूजा या काले जादू के नाम पर पैसे निकलने बंद हो गए। पूजा के नाम पर निकले सुशांत के अकाउंट से पैसे। 14 जुलाई 2019 को 45,000 रुपए सुशांत के अकाउंट से निकाले गए थे, तो वहीं 22 जुलाई 2019 को 55,000 रुपए और 36,000 रुपए अकाउंट से निकाले गए। इसके बाद 2 अगस्त 2019 को 86,000 रुपए अकाउंट से निकाले गए, तो वहीं 8 अगस्त 2019 को 11,000 रुपए उनके अकाउंट से निकाले गए थे। साथ ही कुछ दिनों बाद 15 अगस्त 2019 को 60,000 रुपए पूजा या काले जादू के नाम पर निकाले गए थे। इसी के साथ इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इन पैसों को निकालने के बाद कभी कोई पूजा नहीं हुई। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या है कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली रनिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।